जाना तो कुछ भी न जाना, जिन समस्याओं की चर्चा अभी आपके सामने बेटी अंजलि कर रही थी, ये क्यों बढ़ रही है? हम तह में जाएं, जड़ में जाएं के प्रभु को न जाना तो कुछ भी न जाना, और यदि उसको जाना तो सब कुछ है जाना, यदि उसको जाना तो सब कुछ है जाना, प्रभु को न जाना तो कुछ भी न जाना, यदि उसको जाना तो सब कुछ है जाना, सभी का वही तो पिता है माता सभी का, कर्मों का रखता है खाता सभी का, कर्मों का रखता है खाता सभी का, वही तो है पिता वही माता सभी का, कर्मों का रखता है खाता सभी का, वही तो पिता है माता सभी का, कर्मों का रखता है खाता सभी सभी का, कर्मों का रखता है खाता सभी का, न्यायोचित फल वही देने वाला, न्यायोचित फल वही देने वाला, बचेगा ना कोई चलेगा बहाना, बचेगा ना कोई चलेगा बहाना, प्रभु को न जाना तो कुछ भी न जाना, सब कुछ है जाना, ना रिश्वत सिफारिश वहां पर चलेगी, ना रिश्वत सिफारिश वहां पर चलेगी, गलत जो किया उसकी सजा तो मिलेगी, गलत जो किया है सजा तो मिलेगी, यहाँ छूट जाएगा वहाँ ना बचेगा, यहाँ छूट जाएगा वहाँ ना बचेगा, मन में विचार गलत अपने ना लाना, मन में विचार गलत अपने ना लाना, प्रभु को न जाना तो कुछ भी न जाना, यदि उसको जाना तो सब कुछ है जाना, यदि उसको जाना तो सब कुछ है जाना। अच्छा, ये जो अभी आपके सामने चर्चा हो रही थी, तन सर से जुदा, बच्चों के बैग में भी चाकू मिलते हैं और हमला कर देते हैं, निहत्थे जीवों को मारा जाता है, ये अपने आप नहीं मार रहे, इनको मारने की ट्रेनिंग दी गई है, कहा गया है इनको मारो, क्यों? वो कहते खुदा तो हमें माफ करता, वो कहते खुदा तो हमें माफ करता, ऐसा समझ कर
कर खुला पाप कर, ऐसा समझ कर खुराफात कर। वो अच्छा खुदा ना जो ऐसा है करता, वो अच्छा खुदा ना जो ऐसा है करता, खोला है उसने भी कोई कत्ल खाना, खोला है उसने भी कोई कत्ल खाना, प्रभु को न जाना तो सुच भी न जाना, सब कुछ जाना यदि उसको जाना तो सब कुछ जाना। माफी का खाना माफ हो जाता है। उन्होंने धरती के ऊपर ये पाप और अत्याचार बढ़ाने का काम किया है। वो कहते हैं खुदा माफ करता है, कितने पाप करो, कितने अत्याचार करो, कितने कत्लेआम करो, कितनी हत्याएं करो, कितने बलात्कार करो, कितने ही जुल्म करो, खुदा के ऊपर ईमान होना चाहिए, खुदा हमें माफ कर देता है। बढ़ा दिए पाप धरती के ऊपर और हमारे वाले भी कम नहीं। अभी कह रही थी ना अंजलि, यहां क्यों नहीं आ रहे, कारण बता दूं क्यों नहीं आ रहे। इसलिए नहीं आ रहे कि आ रही है समाजी, हम यूं कहें भाई कर्म का फल तो भोगना पड़ेगा, माफी का कोई खाना नहीं है। अच्छा इससे ज्यादा आदमी यहाँ कोने पे बैठे थे गांव में, हमने पूछा भाई जलसा यही हो रहा है क्या, बोला जी ना यहाँ तो जेजेपी वाले आ रहे हैं। अब वहां लोगों को लालच दिए जाएंगे, लोग वहां जाएंगे। हमारे यहाँ पर सीधा कहा जाता है जो करोगे वो भोगना पड़ेगा कौर सिंह जी, इसलिए न्यारे। अब उनको यूं कहे बालाजी माफ कर देगा, उनको हनुमान जी माफ करवा देगा, उन्हें जो शेरों वाली माफ कर देगी, उन्हें गुरु जी माफ करवा देगा, उन्हें जो है ना ये फला देवता माफ करवा देगा। इसलिए लोग वहां जा रहे हैं क्योंकि आत्मा पापों से भरी पड़ी है और पाप माफ करवाने के लिए वहां जाते हैं, यहां माफ नहीं होते। यहां तो ये बताया जाता है वह शुभ कर्म करो, इसलिए। अरे सुन ले पुजारी तेरी झूठी कथा है, सुन ले पुजारी तेरी झूठी कथा है, जो कहता के करता ये माफ देवता है, कहता करता माफ देवता, चाहे गंगा में नहा ले चाहे पिंड दान कर ले, चाहे गंगा में नहा ले पिंड दान कर ले, शंख घंटे घड़ियाल कितने बजाना, शंख घंटे घड़ियाल कितने बजाना, प्राणी ईश्वर पे विश्वास कर ले प्राणी, राम निवास होगी ना फिर कोई हानि, राम निवास होगी ना फिर कोई हानि, सुकर्मों की जितनी करेंगे कमाई, सुकर्मों की जितनी करोगे कमाई, हो जीवन सफल ऐसा ऋषियों ने माना, जीवन सफल ऐसा ऋषियों ने माना, प्रभु को न जाना तो कुछ भी न जाना, प्रभु को न जाना तो कुछ भी न जाना, यदि उसको जाना
वो सब पूछेगा जाना।